हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। इसके अंदर एंटो 211 के अंदर पढ़ रहे थे हम इंसेक्ट कंट्रोल। कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर आपने एक तो पढ़े थे नेचुरल कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल की प्राकृतिक नियंत्रण, ये वाले आपको लास्ट वीडियो तक अपना कंप्लीट हो गया था कि प्राकृतिक नियंत्रण कैसे किया जाए कीटों का, ये हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल कंट्रोल की, आर्टिफिशियल कंट्रोल की कि कृत्रिम नियंत्रण कैसे किया जाएगा। कृत्रिम नियंत्रण का मतलब कि जिसके अंदर हम खुद अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे कि ह्यूमन इंसेक्ट को मारने का तरीका कोई भी अपना सकता है, वो सारे के इसमें आ जाएंगे, कृत्रिम नियंत्रण आ जाएंगे। नेचुरल कंट्रोल के अंदर प्रकृति के अंदर कैसे इंसेक्ट अपने आप खत्म हो रहे हैं, कि इसके अंदर कोई फिजिकल फैक्टर का रोल है, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर का रोल है, नेचुरल इनेमीज है, नेचुरल डिजीज है, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर के अंदर अपने को बात करनी है आर्टिफिशियल कंट्रोल की, प्राकृतिक के बाद कृत्रिम नियंत्रण की। तो आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर फ्लो चार्ट आपके पास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बताया कल्चरल कंट्रोल है, मैकेनिकल कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल है, लीगल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज का वो आप फ्लो चार्ट में देख लेना। आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है वो है कल्चरल कंट्रोल, जिसको हिंदी में सस्यग्रह बोला जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जनरल मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूं जब भी इसके पॉइंट पढ़ेंगे उससे, कि आर्टिफिशियल कंट्रोल जब कोई भी ह्यूमन है चाहे अपने एक स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल कंट्रोल को, कि आप कृत्रिम नियंत्रण कर रहे हो, कोई ना कोई एक विधि यूज करोगे जिसके द्वारा कीटों को मारा जाए, तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि आप विधियां तभी अपनाओगे, कौन सा मेथड यूज करना है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट प्रॉपर किस एनवायरमेंट के अंदर किस नंबर से सर्वाइव कर रहा है, मतलब कौन सा एनवायरमेंट किस कीट के लिए कितना अनुकूल है कितना प्रतिकूल है, मतलब अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट का आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर ये इंसेक्ट पीक पर होता है। आपको इंसेक्ट का जो प्रॉपर लाइफ साइकिल है वो पता होना चाहिए, फिर ही आप एक आर्टिफिशियल कंट्रोल कर सकते हो। आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर को चेक करोगे, उसको चेंज करके भी आप खत्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेचुरल कंट्रोल के अंदर पढ़ा था कि टेम्परेचर कि वो तो नेचर के अंदर अपने आप कम ज्यादा जो हो रहा है मौसम के अनुसार या सीजन के अकॉर्डिंग जो कम ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर, तो वो अपने आप उसके अंदर इफेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे आप टेम्परेचर कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं कि जिससे हम टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और कम भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर के ऊपर इंसेक्ट सर्वाइव अच्छे से करता है। तो वो टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट के अंदर उसको मिल रहा है, उस इन्वायरमेंट को, उस टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे हम इनके अंदर बात करेंगे। तो तभी एक आर्टिफिशियल, अगर आपको अच्छा नॉलेज है इंसेक्ट के बारे में और उसके लाइफ साइकिल के बारे में, तभी हम कि जिस प्रकार की सॉइल इंसेक्ट पसंद करता है, हम उस सॉइल की पीएच वगैरह चेंज करके भी इंसेक्ट के नंबर को कम कर सकते हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर आपको मेन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है उसके अंदर यही चीज लिखी गई है कि आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं कल्चरल कंट्रोल की तरफ कि सस्य करें। अगर अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर बात करें तो कल्चरल मेथड वो होते हैं जो आपको कल्चर के अंदर मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पंजाबियों का कल्चर है ना, कोई हिंदू लोग हैं उनका कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, एक अपने नॉर्मल सी बात करें तो उसके अंदर आप देखते हो कि गेहूं है, गेहूं को पिसवा के सभी खाते हैं, उसका गेहूं का आटा बना के खाते हैं। कल्चर क्या बताता है? कोई कहता है कि कल्चर के अंदर गेहूं को पहले पानी के अंदर धो के फिर सुखा के फिर उसका आटा बनाया जाए। कई लोग नॉर्मल हैं कि जहां भी आपने स्टोर किया है उसके बाहर कैरी बैग के अंदर डाल के आप सीधा चक्की पे लेके जाते हो और आटा पिसवा के खा लेते हो। तो वो कल्चर है कि कई लोग उसको पंखे के सामने, है
ना, मिट्टी रेत जो भी उसके अंदर अवेलेबल है या जो भी उसके अंदर कचरा है वीड है उसको हटा के फिर पिसवाते हैं। ये कल्चर में बताया गया है कि आपको कणक का जो आटा बना के इस तरीके से खाना है। तो वैसे ही कल्चरल कंट्रोल के अंदर वो मेथड आएंगे जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके कल्चर के अंदर चले आ रहे हैं, आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो। तो वो कल्चरल क्रियाएं हैं, कल्चरल कंट्रोल है, शस्य क्रियाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कौन कौन से हम मेथड यूज करते हैं कल्चरल कंट्रोल, इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, इंसेक्ट को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। तो हम इसके अंदर कल्चरल कंट्रोल के मेन मेन पॉइंट देखते हैं। तो देखिए जी, इसके अंदर फर्स्ट पहला पॉइंट जो है कल्चरल कंट्रोल का वो होता है कि प्लॉविंग या डीप प्लॉविंग, कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, भूमि की जुताई। तो यहां मैं लिख सकता हूं डीप प्लॉविंग भूमि की जुताई। अब देखो डीप प्लॉविंग, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि एग्रोनॉमी वगैरह के अंदर आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर भी ये वर्ड पढ़े हैं कि डीप प्लॉविंग क्या होती है, गहरी जुताई क्या होगी। तो इसके अंदर क्या है कि मिट्टी की हम जुताई करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, कल्टीवेट करेंगे मिट्टी को, है ना, अपनी जमीन को जाके कल्टीवेट करते हो डीप प्लॉविंग। उसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी के अंदर ऐसे इंसेक्ट जो छिपे रहते हैं, जिसके इंसेक्ट की कई जो स्टेजेस होती हैं, जैसे आपने सुना है कि एग हो गए, है ना, उसका निम्फ हो गया, ये वाले जो है निम्फ या मोस्टली जो है वो एग और प्यूपा फेज जो होती है वो मिट्टी के अंदर छिपी रहती है, जिसके बाद इंसेक्ट वहां से निकल आते हैं। जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं वो मिट्टी के अंदर छिपके भी करते हैं इंसेक्ट। जब आप डीप प्लॉविंग करते हो, डीप प्लॉविंग के बाद उसके जो एग होते हैं या उसके जो हाइबरनेशन फॉर्म होती है जिसको आप प्यूपा भी बोल देते हो, तो जो प्यूपा है एग है ये कल्टीवेट करने के बाद ऊपर आ जाते हैं, और जो नेचुरल प्रीडेटर होते हैं, आपने कभी भी कल्टीवेट करते हुए किसी खेत के अंदर ट्रैक्टर को देखा होगा, जब डीप प्लॉविंग हो रही होती है या प्लॉ चल रहे होते हैं खेत के अंदर, तो पक्षी जो होते हैं उसके पीछे उड़ रहे होते हैं। उनका रीजन क्या है कि वो जो नेचुरल प्रीडेटर हैं वो कल्टीवेट करने के बाद जो इसकी छिपी हुई अवस्था है इंसेक्ट की वहां से निकलेंगे, उसको खा जाएंगे, जिससे इंसेक्ट का कंट्रोल होगा। तो वो है डीप प्लॉविंग। डीप प्लॉविंग के लिए अगर हम बात करें, एक छोटा सा फ्लो चार्ट इसके अंदर मैं बना के आपको समझा देता हूं कि अगर आप डीप प्लॉविंग करते हैं, हालो कि डीप प्लॉविंग हो रही है, डीप प्लॉविंग होने के कारण होगा क्या, इसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डीप प्लॉविंग से होगा कि जो इंसेक्ट की इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जो एग है, लार्वा है, प्यूपा है, मोस्टली एग और प्यूपा फेज होती है, ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाएंगे जी। कि डीप प्लॉविंग का कारण ये जो चीजें होती हैं, आपने इंसेक्ट की ये फेजेस थी और फिर डिस्ट्रॉय कर रहे थे, अब आप इंसेक्ट करोगे तो डीप प्लॉविंग करने के बाद क्या हो जाएगा, जो नेचुरल प्रीडेटर है वो अटैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें कि ग्रास ऑपर है, लोकस्ट है, इनकी अगर हम बात करें कि इसके जो एग होते हैं जो हाइबरनेशन के अंदर पड़े रहते हैं, या जो 9 महीने का टाइम होता है कि वो मिट्टी के अंदर ही पड़े जाएंगे, कि जो सीजन आने के बाद जब मानसून की बरसात होगी तब उसके बाद नमी के बाद हैचिंग होगी, ऐसे एग जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसको नेचुरल प्रीडेटर उसके खा जाते हैं। बाकी और भी एग्जाम्पल आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। तो कल्चरल कंट्रोल के अंदर पहला अपना टॉपिक था डीप प्लॉविंग। तो डीप प्लॉविंग करके आप इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको जब भी फॉर एग्जाम्पल की कॉटन की फसल थी आपकी, कॉटन की फसल के साथ आपने जो खाली जमीन छोड़ी थी सरसों की सोइंग के लिए, आप उसके अंदर डीप प्लॉविंग करके रख सकते हैं। तो एक मेथड हो गया जी डीप प्लॉविंग का। नेक्स्ट देखते हैं, डीप प्लॉविंग के बाद सेकंड आ जाता है सैनिटेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। तो सैनिटेशन क्या है, सैनिटेशन होता है, अभी आपको पता है कि कोरोना COVID-19 चल रहा है, तो सैनिटाइजर क्या होते हैं कि आपको सैनिटाइज करना है हाथों को, मतलब क्या करना है, आपको हाथों को सैनिटाइज करके उसके ऊपर जितने भी जर्म है, जो भी वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया, उसको हटाना होता है। तो सैनिटाइजर सैनिटेशन का मतलब होता है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू की सफाई करिए खेत की,
फसल के अंदर जो खरपतवार होते हैं, और फसल के जो खरपतवार हैं उसको आप अवशेषों को नष्ट करिए। अब इसके अंदर क्या रहता है कि मान लो कि आप खेत की क्या करते हो, हार्वेस्टिंग आपकी हो गई। हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या बचता है खेत के अंदर, मान लो कि आपने फसल अब आपकी घर पर आ गई है, आप जो भी उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप रेजिड्यू बचता है। और इसके ऊपर क्या करते हैं, इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं कि हार्वेस्टिंग होगी, अब क्रॉप का रेजिड्यू बचता है। जब प्लांट तो पूरे का पूरा खत्म हो गया, जो उसका रेजिड्यू बचेगा, अवशेष बचेंगे क्रॉप के, उसके ऊपर इंसेक्ट क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। और इसके बाद जब नेक्स्ट क्रॉप आएगी, नेक्स्ट क्रॉप आएगी, तो नेक्स्ट क्रॉप को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यही चलता रहता है खेतों के अंदर कि नेक्स्ट क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो क्रॉप रेजिड्यू होता है इसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। जब आप इसको खत्म कर दोगे तो क्या होगा, हार्वेस्टिंग के बाद जो इंसेक्ट होता है वो क्रॉप रेजिड्यू पे भी तो सर्वाइव करता है, और क्रॉप रेजिड्यू नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसका जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो सैनिटेशन या खरपतवारों को नष्ट करके भी हम इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए कि क्रॉप रेजिड्यू जो है उसको खत्म करोगे, इकट्ठा करके जलाओगे, खेतों से बाहर निकालोगे, कौन करेगा काम, ह्यूमन करेगा, इसलिए ये भी आर्टिफिशियल कंट्रोल में आ जाता है। तो सेकंड जो पॉइंट है सैनिटेशन का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। थर्ड टॉपिक होता है वेरिएशन इन टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, फसलों के बोने के समय में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। तो वेरिएशन इन टाइमिंग ऑफ, तो किसके अंदर, वेरिएशन इन टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। मेन तो प्लांटिंग ही होता है कि फसलों के बोने के समय में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप क्या कर सकते हैं, आप इंसेक्ट से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं कि अभी आपका जो सीजन चल रहा है कि कॉटन के बाद लोग मस्टर्ड की सोइंग में लगे हुए हैं, अगर मानो कि अगर आप सरसों की अगेती बुआई करते हैं, अगेती का मतलब अर्ली सोइंग अगर आप कर देते हैं, दो चीजें खेत में चलती हैं, मान लो कि ये रेड में कॉटन है कि ये प्लांट तो कॉटन के हैं। अब देखो कॉटन की हार्वेस्टिंग लगभग हो चुकी है, इसको खेतों से हटाने का काम शुरू हो रहा है। अब जो अगर इसके ऊपर कोई हल्का फुल्का एफिड है, मान लो कि ये एफिड है, इसको तेला बोल देते हैं, मच्छर बोल देते हैं, ये चीजें अगर इसके ऊपर है, अब देखो ये प्लांट अभी खेत के अंदर है, अगर इसके साथ आप सोइंग कर देते हो सरसों की, मान लो कि ये आपकी खाली जमीन पड़ी थी, इसके अंदर आपने सरसों की सोइंग कर दी, अब इसके ऊपर जो एफिड बैठा है वो इसी के ऊपर एक बार बैठा है, अगर आप अर्ली सोइंग कर देते हो तो क्रॉप खड़ी है किसकी, कॉटन की, अभी कॉटन स्टिक जो खेत में ही है आपने हटाई नहीं, तो सरसों क्या हो जाएगी, सरसों के प्लांट सोइंग के बाद ये बाहर आ गए हैं मिट्टी से और ग्रोथ कर रहे हैं। और जो मच्छर है, अगर आप एफिड जिसको बोलते हैं, किसानों को पता लगता है कि मान लो कि जो किसान की लैंग्वेज होती है कि जो मच्छर होते हैं वो इस पर नहीं आएंगे, अगेती बुआई कर दी और इस टाइम के अंदर जो मच्छर कई इंसेक्ट जो होते हैं वो अटैक उस टाइम के अंदर नहीं करते हैं, मान लो कि अगेती बुआई कर देते हो, अगर आप अगेती बुआई का मतलब कि अक्टूबर में नहीं, किसके अंदर, सॉरी हाँ नवंबर में नहीं, अक्टूबर के अंदर ही अगर आप सोइंग कर देते हो, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर अगर सोइंग कर देते हो, कई लोग नवंबर में भी चले जाते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है कि अगर आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर सोइंग कर देते हो तो कॉटन स्टिक अभी खड़ी रह होती है, तो इसके ऊपर जो मस्टर्ड है चाहे वो एनवायरमेंट के अंदर उसका नंबर ज्यादा होगा, वो सरसों पर क्या होगा, अभी नहीं आएगा। अगर आपने पछेती बुआई की, मतलब लेट सोइंग करोगे, जिसके बाद लेट सोइंग में क्या होता है कि कॉटन ये खेत से हटा दी जाएगी, अब उधर से आपकी लेट सोइंग हुई है, मान लो कि ये अर्ली सोइंग का फील्ड था, ये लेट सोइंग का फील्ड है, अब लेट सोइंग के फील्ड के अंदर ये सीड ही पड़े हैं, अभी वो जस्ट क्या है, प्लांट बहुत छोटे हैं, और ये जो सारे का सारा मच्छर होता है, एफिड है, वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर ट्रांसफर हो जाएगा तो
तो प्लांट बहुत छोटे होंगे, जिससे उसकी ग्रोथ है वो भी हो रही है, स्टार्टिंग ग्रोथ होती है, उसमें ये अटैक कर देते हैं तो पूरी के पूरी आपकी क्रॉप खत्म भी हो सकती है, या उसकी अच्छी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देते। वो जो मॉस्किटो हैं, जिसको आप एफिड के नाम से जानते हैं, तेला वगैरह हो, वो इसकी ग्रोथ नहीं होने देते। तो अर्ली सोइंग का मतलब होता है कि अर्ली सोइंग के बाद अगर आप इसको हटाओगे, अगर इस पर एफिड जाएगा तो ये प्लांट अभी काफी बड़े हो चुके हैं, जो खत्म नहीं होंगे उसके ऊपर 5% या 10% लॉस होगा उस एफिड का, 100% उसका लॉस नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि अर्ली सोइंग आप करके, या थोड़ा सा टाइम के अंदर थोड़ा सा चेंज करके आप इससे बच सकते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर के अंदर या लास्ट अक्टूबर तक या नवंबर के स्टार्टिंग में इस चीज का अटैक होने वाला है, तो हम थोड़ा सा अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही स्वाइंग करके प्लांट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, कि प्लांट तब तक बड़े हो जाएंगे तब तक अटैक होगा। तो एक अर्ली स्वाइंग हो सकता है कि आप वेरिएशन इन टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग की वेरिएशन करके, थोड़ा सा टाइम के अंदर थोड़ा चेंज करके भी आप इंसेक्ट के नंबर से बच सकते हैं। तो ये रहेगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन ये आपके टॉपिक बहुत बार आपने पढ़ लिया, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आपने प्लस टू के अंदर भी पढ़ा था कि फसल चक्र। फसल चक्र क्या है कि दो तरह की आपकी क्रॉप होती हैं, फॉर एग्जाम्पल की एक लेग्यूम होती है, एक सीरियल क्रॉप आती है। तो अगर आपने लेग्यूम क्रॉप लगा रखी है, तो उसको बाद नेक्स्ट जो सीजन आएगा उसका, तभी आप वहां पे लेग्यूम क्रॉप वापस मत लगाइए, उसकी जगह पे सीरियल क्रॉप कर दीजिए। अगर सीरियल क्रॉप करोगे तो जो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करेगा लेग्यूम के बाद लेग्यूम को, तो वो डोमिनेंट नहीं कर पाएगा, जिससे वो खत्म हो जाएगा। तो जो फसल चक्कर को अपनाकर भी आप इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक सीधा सा नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मान लो कि अभी आपने कॉटन लगा रखा है जिस फील्ड के अंदर, नेक्स्ट सीजन के अंदर वापस उसी जगह पे कॉटन आपने को नहीं लगाना। वो अगर इस कॉटन की जगह पे, आप कॉटन की जगह पे यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कॉटन को नहीं लगा दिया, यहाँ पे ग्वार लगा दिया, ग्वार क्रॉप लगा दी, और फिर नेक्स्ट सीजन के अंदर फिर वापस वहां पे कॉटन आप लगा सकते हो। ये क्रॉप रोटेशन हो जाता है। कि ऐसा नहीं है कि जब वापस कॉटन लगा रखा है, वापस कॉटन का सीजन आएगा, फिर यहाँ कॉटन, फिर यहाँ कॉटन, ये नहीं होना चाहिए। इससे रीजन क्या है कि जो कॉटन के इंसेक्ट होते हैं, जो छिप कर बैठेंगे या जो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, वापस अगर यहाँ पे कॉटन आएगा तो नेक्स्ट सीजन का वेट करेंगे, हाइबरनेशन में जाएंगे कि नेक्स्ट आपको वो प्लांट उसको वापस फिर से मिल जाए। अगर वापस फिर से मिलता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हाइबरनेशन वाला बाहर आएगा तो इसको ग्वार की क्रॉप दिखाई देगी, तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा, अब कॉटन उस फील्ड के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की जो व्हाइट ग्रब होती है, सफेद लड, उसके लिए भी क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छी चीज रहती है, कि उससे भी आप बच सकते हैं उनसे, उनके अटैक से भी। तो क्रॉप रोटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है जी मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट इसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग। अब देखो कि मिश्रित फसलों का यूज करके, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके अंदर आता है कि ज्वार और बाजरा को आप मिक्स कर सकते हैं। कि ज्वार और बाजरा को मिक्स करने के बाद दो ज्वार के या प्लांट के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो काफी थोड़ा सा हो जाता है, कि साथ ही साथ मतलब प्लांट नहीं होते, जिससे क्या हो जाता है कि जो स्प्रेड रेट होता है इंसेक्ट का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये रहता है कि ज्वार और बाजरा की मिक्स क्रॉप हो सकती है, कि अटैक जो इंसेक्ट का वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इसके अंदर, कई लोग इसके अंदर और भी टॉपिक जोड़ देते हैं, जैसे यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज है। कल्चरल कंट्रोल आपको ये बताता है कि हमेशा वही वेराइटी लगाएं जो रेसिस्टेंट हो किसी भी इंसेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा था, सॉरी आपने इसे पहले प्लस टू के अंदर पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंट वैरायटी आई है बीटी कॉटन, जो आपने नाम सुना है कि बैसिलस थुरिंजियंसिस जो बैक्टीरिया है वो जीन बना है, क्राई प्रोटीन वगैरह ये चीजें आपने पढ़ी हैं, तो वो लेपिडोप्टेरल इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट है। अब मान लो कि अगर आप देसी कॉटन लगाते हो जो रेसिस्टेंट नहीं है लेपिडोप्टेरल के लिए, तो उसके ऊपर लेपिडोप्टेरल का अटैक होगा। अगर आप बीटी कॉटन का यूज करते हैं तो उसके ऊपर लेपिडोप्टेरल इंसेक्ट का अटैक होगा, तो वो खत्म हो जाएंगे ऑलरेडी। आपको कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा, पहली बात होगा ही नहीं। तो वो रेसिस्टेंट वैरायटी है, ऐसी वैरायटियों का आप यूज करके भी कल्चरल कंट्रोल के अंदर आप इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यूज ऑफ रेसिस्टेंस वैरायटी। तो आप
रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज करके भी इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जितने भी हैं कल्चरल कंट्रोल के अंदर कितने पॉइंट आ गए, 6 पॉइंट हैं। डीप प्लॉविंग है, सैनिटेशन है, वेरिएशन ऑफ किसके अंदर वेरिएशन इन टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग है, क्रॉप रोटेशन है, मिक्स क्रॉपिंग है, यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी है। आप इन चीजों का यूज करके कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कल्चरल कंट्रोल का। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कल्चरल कंट्रोल के बाद अपना रहेगा मैकेनिकल कंट्रोल। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। कल्चरल कंट्रोल के बाद यहां पे सेकंड आ जाएगा। मैकेनिकल कंट्रोल, अब देखिए जो मैकेनिकल कंट्रोल है हिंदी के अंदर, जिसको यांत्रिक नियंत्रण भी बोलते हैं, तो यांत्रिक नियंत्रण का मतलब होता है कि इंसेक्ट को किसी यंत्र की सहायता से, या कोई भी आप उसके अंदर कोई ऐसा कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिससे आप उसको खत्म कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि जैसे मैकेनिक आपकी गाड़ी को सही कर रहा है, तो कोई ना कोई प्लान बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जब इंसेक्ट को खत्म करोगे या उसको स्प्रेडिंग रेट को रोक दोगे, तो वो मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फर्स्ट, जो सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो होता है हैंड कलेक्शन। इसके अंदर हैंड कलेक्शन कि हाथों से कीड़ों को पकड़िए और मार दीजिए। अब देखो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हैंड कलेक्शन, अब मैकेनिकल कंट्रोल का एक पॉइंट आता है कि हाथों से कीड़ों को पकड़कर मारना। अब देखो कि इंडिया के अंदर लेबर की कमी नहीं है वैसे तो अगर हम बात करें, लेकिन जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो भी आजकल काम करना नहीं चाहते, तो उस वजह से अगर यहाँ बेरोजगारी है, तो वो जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अब एक तरह की जॉब भी है कि काम भी हो सकता है कि उनको पैसा भी मिलेगा। हैंड कलेक्शन के अंदर आप उन लोगों को लेके जाइए, उनको काम दीजिए। इससे में क्या है कि हैंड कलेक्शन से जो ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके एग वगैरह आपको दिखते हैं इजीली, आप उनको प्लांट से उसका सर्वे करके आप उसको खत्म कर सकते हो हैंड कलेक्शन के अंदर। ये आपको पीडीएफ के अंदर एक स्टोरी टाइप है जो आपके एक बुक की पीडीएफ ही मिलेगी, तो उसके अंदर आप इजीली पढ़ सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सी थ्योरी है, इजी लैंग्वेज है। तो हैंड कलेक्शन, हाथों द्वारा पकड़कर कीड़ों को मारना। नेक्स्ट है जी इंसेक्ट नेट। इंसेक्ट नेट की इंसेक्ट नेट के द्वारा आप ऐसे इंसेक्ट को पकड़ सकते हैं जो फ्लायर होते हैं, जो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, जैसे ग्रास ओपर है, जैसिड है, बग है। तो जो बग्स वगैरह हैं इनको हस्त जालों द्वारा भी आप पकड़कर खत्म कर सकते हैं। ये भी एक मैकेनिकल कंट्रोल का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी मैकेनिकल बैरियर। थर्ड, थोड़ी सी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होते हैं मैकेनिकल बैरियर। अब बैरियर का पतला आपको पता है कि बैरियर अवरोध होते हैं, तो ऐसे कौन से आप बैरियर यूज कर सकते हैं जिससे इंसेक्ट को आप स्प्रेड होने से रोक सकते हैं या प्लांट पर अटैक करने से आप उसको रोक सकते हो। तो मैकेनिकल बैरियर के अंदर जो पॉइंट है सबसे पहले आता है, इसके अंदर कई पॉइंट आ जाएंगे मैकेनिकल बैरियर के अंदर, जैसे ट्रेंचिंग आ गया, फेंसिंग आ गया। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट रहता है वो रहता है ट्री बेंडिंग। ट्री बेंडिंग, अब ट्री बेंडिंग है या पट्टी बांधना। अब जो ट्री बेंडिंग का मतलब होता है आपको मैं बता दूं कि मान लो कि ये कोई भी ट्री है जो आपको पीडीएफ के अंदर भी एक डायग्राम सा बना हुआ दिखेगा। अब इसके बाहर क्या है कि ट्री बेंडिंग के अंदर अब यहां पे कोई भी आपको ट्री बैंड करना है कि मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक अडेसिव चिपचिपा ट्रैप लगा देना है या पट्टी बांध देने की, जो रेंग कर चढ़ेंगे इंसेक्ट वो इस पट्टी के ऊपर ही चिपक जाएंगे, तो वो होता है जी ट्री बैंडिंग। अब इसके अंदर मेन एग्जाम्पल की बात आती है कि ट्री बैंडिंग किसके अंदर किया जाता है, तो मैंगो मिली बग एग्जाम्पल है। मैंगो मिली बग, तो उसकी रोकथाम के लिए ट्री बैंडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी फेंसिंग, बाड़ लगाना। और फेंसिंग है कि मान लो कि ये आपका फील्ड है, इसके बाहर जो आपने मिट्टी की दीवारें निकाली हुई, जो पुराने ठप्पर
टाइम के अंदर निकालते थे लोग, उसके अंदर भी जो रेंग के आने वाले कीड़े होते हैं वो उस दीवार को पार नहीं कर सकते। छोटी सी फेंसिंग हो जाती है जो आवारा पशुओं से भी सुरक्षा करती है खेत की, तो वो जो होती है वो फेंसिंग हो जाती है चार दीवारी के अंदर। आजकल वो नहीं है कि जो वायर की करते हैं तारे लगा देते हैं उसके अंदर, तो इजिली इंसेक्ट पास आउट हो जाते हैं, वो नहीं। तो फेंसिंग के अंदर आप उसके बाहर जो मिट्टी की दीवार होती है वो निकाल दी जाती है जिससे वो उसको पास नहीं कर सकते, तो फेंसिंग के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी ट्रेंचिंग, थर्ड इसके अंदर है। ट्रेंचिंग होता है खाइयां खोद देना, कि ये आपका फील्ड है, अब यहाँ पे दीवार दिख रही थी, यहाँ मान लो कि खाइयां हैं 2 फीट गहरी हैं 2 फीट चौड़ी हैं, तो जो इजीली जो हल्के फुल्के जंप लगा के इंसेक्ट आते हैं वो जंप करने वाले जो कीड़े होते हैं, जो फ्लायर नहीं होते अच्छे, जंप करके उस खड्डों में गिर जाते हैं, वहां पे बेट पॉइजन डालिए, वहां से इंसेक्ट की आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मैकेनिकल बैरियर हो जाते हैं मेन, ट्री बेंडिंग, फेंसिंग, ट्रेंचिंग। ट्री बेंडिंग का आप एग्जाम्पल याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इजिली मिल जाता है कि मैंगो मिलीबग ट्री बेंडिंग किसके लिए यूज होता है, मैंगो मिलीबग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मैकेनिकल ट्रैप के ऊपर, डी नंबर है इसके अंदर, मैकेनिकल ट्रैप। ट्रैप आपको पता है कि ट्रैप कोई ऐसा जाल है कि जिसके अंदर आप इंसेक्ट को फंसा के मार सकते हो, तो मैकेनिकल ट्रैप का यूज हो रहा है। कई तरह के ट्रैप चल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक होता है एडहेसिव ट्रैप। एडहेसिव ट्रैप होता है चिपचिपे परपंच। अब है क्या करना, क्या होता है एडहेसिव ट्रैप के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका कोई खेत है, इसके बाहर आपको जैसे ये स्कूलों के कॉलेजेस के बड़े बड़े फ्लैक्स आपको दिखाई देते हैं, ऐसा एक फ्लैक्स लगाना है येलो कलर का कि जो इंसेक्ट को कलर अट्रैक्ट करेगा, कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्शन इंसेक्ट शो करेंगे। तो वहां पे क्या, अगर येलो कलर का फ्लैक्स लगा दिया तो इसके ऊपर कोई गोंद लगा देना, एडहेसिव जो होगा इसके ऊपर इंसेक्ट ऐसे चिपक जाएंगे और मर जाएंगे। ये एक तरह का क्या हो जाएगा, एडहेसिव ट्रैप हो जाएगा, चिपचिपे पाश जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रैप, ये इजिली कि आप कोई भी अपने बल्ब वगैरह जो है एलईडी ट्यूब होती है ये इस खेत में लगाइए, और उसके नीचे कोई भी आप पॉइजन है, पानी है, ऑयल है, वो आप रखिए जिसके बाहर लाइट से टकरा के वो अट्रैक्ट करेंगे, लाइट उसको अट्रैक्ट करेगी और लाइट से टकरा के वो नीचे गिरते रहेंगे, और जो आपने पॉइजन रखा है उसके अंदर गिर के वो मरते रहेंगे, वो लाइट ट्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है जी हॉपर एंड डॉजर्स, हॉपर्स एंड डॉजर्स। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कोई जैसे ब्लोअर काम करता है, बहुत तेज हवा आप दे रहे हो खेत के अंदर, और जो वीकर जो होते हैं, वीक इंसेक्ट होते हैं, जो हल्के फुल्के इंसेक्ट होते हैं, वो उड़ के मतलब दूसरी जगह चले जाएंगे, हवा के साथ ही हवा उसको साथ में लेके उड़ा के ले जाएगी, या ऐसा जैसे आप कोई भी वैक्यूम यूज कर रहे हो अंदर सक कर सकते हैं, ऐसे मतलब जाल आ जाते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट फंस जाते हैं, वो आपको पीडीएफ के अंदर इजिली मिल जाएंगे, हॉपर्स एंड डॉजर्स। आप इसका यूज यूट्यूब के अंदर हॉपर्स एंड डॉजर्स लिख के भी आप वीडियो देख सकते हो कि हॉपर्स और डॉजर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये मैकेनिकल ट्रैप, एडहेसिव ट्रैप, लाइट ट्रैप और हॉपर्स एंड डॉजर्स हो जाते हैं, और ये अपना सेकेंड जो कंट्रोल है मैकेनिकल कंट्रोल यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थर्ड हम करेंगे फिजिकल कंट्रोल, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिर लीगल कंट्रोल, केमिकल, ये अपने कंट्रोल आगे करते रहेंगे। तो ये दोनों की मैंने आप आज को आपके पीडीएफ आपको अपलोड कर दी थी आपके ग्रुप के अंदर, तो ये आप पीडीएफ देखोगे इसकी, इसकी डिटेल उसमें से पढ़ लेना। जो बेसिक है इसका जो आपको बताना था वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। आर्टिफिशियल कंट्रोल के 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, कल्चरल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।